ये आप देख सकते हो लड़की ने बैंड जो आपको दिल्ली पुलिस में पहनाया जाता है, उसके बाद मोर है, उसके बाद सेकंड नया, इसके भी आप देख सकते हो दोनों लड़कियां फिजिकल क्वालिफाई करके आई है। तो वहाँ पे आपको क्या कुछ लेके जाने दे रहे थे ये बताओ आप। 500 लड़कियों का फिजिकल था, आज कितनी लड़कियां वहाँ पे पहुंची थी? जय हिंद दोस्तों, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल स्ट्रेंथ फिजिकल एकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज 28 जून है और आज दिल्ली पुलिस के फिजिकल स्टार्ट हुए हैं, तो आज दो लड़कियां हमारे पास फिजिकल क्वालिफाई करके आ चुकी है। कुछ लड़के और भी हैं जो अभी आए नहीं है, उनके डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं हुए, उनके बाद कल उनके साथ हम वीडियो बना देंगे। आज हम इस लड़कियों से पूछते हैं कि फिजिकल में क्या हुआ, कैसा ग्राउंड था और कितने बजे इनका नंबर आया और टाइमिंग आपकी सही आई, जो यहाँ पे टाइमिंग आती थी और वहाँ पे टाइमिंग आई है, कितना फ़र्क है। तो स्टार्ट करते हैं, मनीषा है एक, फर्स्ट मनीषा, सेकंड नेहा। मनीषा अपना हाथ, ये आप देख सकते हो लड़की ने बैंड जो आपको दिल्ली पुलिस में पहनाया जाता है, उसके बाद मोर है, उसके बाद सेकंड नेहा, इसके भी आप देख सकते हो दोनों लड़कियाँ फिजिकल क्वालिफाई करके आई है। इनका NPL ग्राउंड में फिजिकल था, तो आज बताइए नेहा, बताना सॉरी मनीषा, पहले ये बताओ वहाँ पे ग्राउंड कैसा था, मीन्स आप अंडेकार था या बिल्कुल गोल था, किस टाइप का ग्राउंड? अंडेकार मीन्स जो हम ट्रैक पे रनिंग करवाते हैं वैसा ही ग्राउंड था, मीन्स आपको 88 से 90 मीटर स्ट्रेट मिलेगा, उसके बाद 110 मीटर तक आपको कर्व मिलेगा। सेकंड नंबर पे आप ये बताइए कि आपका नंबर किस टाइम आया था, मीन्स आपकी रनिंग किस टाइम स्टार्ट हुई थी? सर 12:30 बजे। आपकी कितने बजे? 10:30 बजे। आपकी टाइमिंग क्या आई थी वहाँ पे? 7:20। आपकी आपकी लास्ट टाइमिंग यहाँ पे कितनी आई थी? सर 7:24। 7:24 मीन्स 4 सेकंड कम ही हुई है वहाँ पे। आपकी लास्ट टाइमिंग यहाँ पे 7:54 वहाँ पे कितनी आई है? 7:56 इसकी 2 सेकंड बढ़ के आई है। तो देखो कुछ फ़र्क धूप का भी है, लड़कियाँ ये सुबह रनिंग करती थी, मीन्स सुबह शायद हम फिजिकल लेते थे, एक बार ही हमने 8 बजे लिया था, बाकी 7 बजे लेते थे, तो कुछ धूप का भी फ़र्क पड़ जाता है। तो वहाँ पे आपको क्या कुछ लेके जाने दे रहे थे ये बताओ आप। बॉटल अलाउड है, पानी की, कुछ फ्रूट अलाउड है, सेब, केले अलाउड है। मींस आपको बैग अंदर लेके जा सकते? बैग नहीं जा सकता, जो आपको फ्रूट्स लेके गए हो या फिर पानी वगैरह खा के ले जा रहे हैं, पानी की बॉटल भी अलाउड है। पानी की बॉटल अलाउड है, उसके वॉच भी अलाउड है। आप रनिंग करते टाइम वॉच भी पहन सकते हो, पहले ये था कि वॉच नहीं पहन सकते, तो जब आपकी रनिंग होगी तो आप वॉच पहन सकते हो, क्योंकि आपके पास चिप सिस्टम है। चिप आपकी चेस्ट में लगाई जा रही थी? चिप चिप आपकी चेस्ट में, जो चेस्ट नंबर दिए जाते हैं उनके साथ ही चिप अटैच्ड है, तो आप उसके साथ अपनी वॉच लेके जा सकते हो, क्योंकि चिप में क्या होता है आपको टाइम का पता नहीं लगता लगता, तो उसके लिए आप वॉच पहन सकते हो टाइम अपना देखने के लिए, नोट करने के लिए, किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो कि रनिंग हमारा टाइम ज़्यादा आ गया, तो अपनी चिप सॉरी अपनी वॉच पहन के जाना, ताकि आप अपना टाइम नोट कर सको। उसके बाद और कुछ किसी बच्चे का कोई डाउट है? डॉक्यूमेंट्स कब चेक किए थे सर? एक तो सर सारी चीज़ क्वालिफाइंग होने के बाद किए थे, उसमें सर फोटोकॉपी चेक की थी, लास्ट में सर उन्होंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देख के सबमिशन किया था फाइनल। अच्छा अच्छा, और जो कोविड की रिपोर्ट मांग रहे हैं सर, ओरिजिनल लेके जाना, ओरिजिनल लेके जाने की, फोटोकॉपी नहीं चलेगी, ओरिजिनल ओरिजिनल रिपोर्ट लेके जाने हैं, फोटोकॉपी नहीं चलेगी, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद तुम्हारा किसी भी बच्चों का कोई कन्फ्यूजन हो तो अभी बता सकते हो, इन लड़कियों से पूछेंगे, बताओ किसी का कोई। यहाँ से ट्रैक छोटा, यहाँ से ट्रैक बच्चों को मीन्स छोटा लग रहा है, धूप की वजह से थोड़ी टाइमिंग बढ़ी है, तो आपको कोशिश करना है कि दिन में आप 9-10 बजे आप रनिंग करो, मीन्स टाइमिंग लो, तो आपकी 9-10 बजे लेके देखो, ताकि धूप का कोई इफेक्ट आप पे पड़े ना। और ध्यान रखिए पानी की बोतल ज़रूर साथ लेके जाए, रनिंग जैसे आप रनिंग के लिए अंदर जाते हो तो आप वहाँ पे पानी की बोतल लेके जा सकते हो? वहाँ नहीं लेके जा सकते, मीन्स जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स जो बैग वगैरह रखे जाएंगे पानी की बोतल वहाँ तक जाएगी आपके साथ। और जब आपने रनिंग की, रनिंग करने के बाद और लॉन्ग जंप होता है तो उसके बाद आपको कितना मतलब डिस्टेंस मिला रहता है? 15 मिनट मैक्सिमम, 15 मिनट तो मिल ही रही है सर को। उसके बाद 15 मिनट के बाद आपका लॉन्ग जंप के बाद हाई जंप हुआ था, तो हाई जंप में कितना टाइम मिला आपको? सर हाई जंप में 15 से 20 मिनट, मतलब मीन्स 15 से 20 मिनट आपका नॉर्मल है, इतना टाइम आपको मिलेगा दोनों, जैसे रनिंग करने के बाद आप लॉन्ग जंप करोगे, लॉन्ग जंप के बाद आप हाई जंप करोगे, तो 15 से 20 मिनट आप मान के चलो आपको टाइम मिलेगा, तो इतनी देर में आपकी बॉडी रिकवर हो जाती है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। उसके बाद एक चीज़ और, जो आपका लॉन्ग जंप का था,
रनअप कैसा था उसका? अच्छा था, मीन्स ऊपर नीचे गड्ढे वगैरह थे या बिल्कुल प्लेन था? रनअप फ्लैट था सर, हम कदम भी नाप सकते हैं। कदम नाप सकते हैं। कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन था जैसे कि सर वो हम स्टेप मेजर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो स्टेप आप आराम से मेजर कर सकते हो। जो मैंने बताया था जिन बच्चों का फाउल होता है तो स्टेप आपने वहाँ पे आराम से मेजर करो, उसके बाद आराम से लॉन्ग जंप करेंगे। उसके बाद एक चीज़ मेरे बच्चों का बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था सर, जो लॉन्ग जंप पे है जो टेक ऑफ लेते हैं वहाँ पे फट्टा यूज है या नहीं है? एनपीएल ग्राउंड में फट्टा यूज नहीं है, बाकी कुछ ग्राउंड में ऐसे कह रहे हैं कि डैशबोर्ड लगाया हुआ है, तो एनपीएल ग्राउंड वाले बच्चे ध्यान देना कि वहाँ पे कोई फट्टा नहीं है, वाइट चुने से मार्क कर रखा है, वहाँ पे वाइट चुने से मार्क है। उसके बाद आपका जो लॉन्ग जंप का जो पिट थी वो जैसे मिट्टी के मतलब जो सरफेस जो रनवे का होता है उसके बिल्कुल लेवल है या नीचा है या ऊंचा है? बिल्कुल प्लेन है, मीन्स जो आपकी जो रनअप है जहाँ से आप रनअप स्टार्ट करते हो बिल्कुल उस लेवल की है, तो आपको लॉन्ग जंप का गड्ढा नीचे नहीं मिलने वाला है। और हाई जंप का गड्ढा कैसा था? मीन्स हाई जंप में जो मिट्टी है वो जमीन से ऊंची है या नीची है? मीन्स जैसे हम हाई जंप करवाते हैं जमीन से थोड़ी ऊंची मिट्टी मिलेगी आपको, मीन्स रेता मिलेगा, तो आपको मैंने बता दिया लॉन्ग जंप का बिल्कुल स्पॉट मिलेगा बिल्कुल लेवल में, उसके बाद हाई जंप का मिट्टी थोड़ी ऊपर मिलेगी। उसके बाद और कुछ चीज़ें ऐसी हो जो आपने नोट की हो बच्चों को बताना चाहते हो अपनी तरफ से? सर वो लॉन्ग जंप में हमें वार्म अप का टाइम दे रहे हैं 10-15 मिनट का कि आप अपने हाथ पैर खोल लो ठीक है। कुछ बच्चे बेहोश हो गए थे रनिंग के बाद तो उन्हें उठा के कह रहे थे तुम वार्म अप कर सकते हो। हाँ, उनके लिए जैसे कुछ बच्चे डिहाइड्रेशन की वजह से मतलब पानी की कमी हो जाती है तो बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि नंबर आज फर्स्ट डे था तो कुछ बच्चे का नंबर 1-1.5 बजे भी आया। जिन लड़कों का फिजिकल क्लियर हुआ है वो तो अभी तक घर पे नहीं पहुँचे हैं, जो दिल्ली वाले हैं वो दिल्ली में भी नहीं पहुँचे घर पे, क्योंकि अभी उनका डीवी रहता है, डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे उसके बाद वो फ्री होंगे। ठीक है, और इनके अलावा कुछ और चीज़ें जो आप इन बच्चों को बताना चाहोगे वीडियो के थ्रू, और बच्चे जो घर पे हैं तैयारी कर रहे हैं उनको कुछ बताना चाहोगे? सर कुछ बच्चों का यही होता है कि वार्म अप का टाइम नहीं मिलता, एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिलता, वहाँ पे ग्राउंड के बीच में हम एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, कोई बेहोश हो जाता है उसे पानी भी देते हैं और रनिंग के 10 मिनट के अंदर अंदर हमें पानी मिल जाता है, सीधा पानी नहीं पकड़ाएंगे, रनिंग के 10 मिनट के बाद पानी देंगे। पानी वो आपको तक पहुँचाते हैं या वहाँ पे कुछ रखा हुआ है? सर हमें वो पानी देने आते हैं और इलेक्ट्रॉल भी देने आते हैं। अच्छा देखो, हाँ कुछ बच्चों का कन्फ्यूजन था कि भाई हमें पानी नहीं मिलेगा, मैं खुद बच्चों को बोलता था कि वहाँ पे पानी नहीं मिलेगा, बट एनपीएल ग्राउंड में ऐसी समस्या नहीं है, रनिंग के 10 मिनट बाद आपको पानी मिल जाएगा वहाँ पे, इन्होंने खुद बताया है कि ग्लूकोज या इलेक्ट्रोल आप तक पहुँचा रहे हैं। एक चीज़ों का और कन्फ्यूजन था डॉक्यूमेंट्स का, जिन बच्चों की जैसे OBC वगैरह उस चीज के बारे में बताओ। सर वो ये कह रहे हैं 2 साल से हमारा जो है इंडिया वो सफर कर रहा है कोविड से, तो जिसका रीसेंट का भी है OBC का वो चल जाएगा। मींस ऐसा एनपीएल ग्राउंड में ऐसी कोई समस्या नहीं है? बच्चे कह रहे थे कि सर नया OBC सर्टिफिकेट चलेगा या नहीं चलेगा, तो ऐसी कोई समस्या नहीं है आपके साथ, आपकी रीसेंट की भी जो OBC की है वो चल जाएगी। इन बच्चों ने आज आपने जो फिजिकल देखे हैं इन्होंने खुद बताया है कि ऐसा चल रहा है, तो आप इस चीज़ से बिल्कुल ना घबराएं, जो आपके पास सर्टिफिकेट है आप लेके जाएं, ये मत सोचो कि आपके पास नहीं है, जैसे नोटिफिकेशन दे रखी है नहीं है तो वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं आप वहाँ पर लेके जाओ, क्या पता आपको मौका मिलेगा, शायद इनको मौका मिल रहा है तो आपको भी मौका मिलेगा कि आप फिजिकल दे सकूं। इसके अलावा कुछ और चीज़ें? सर स्पोर्ट्स की अचीवमेंट लेके जानी है सारी, जो भी हमने स्पोर्ट्स में अचीव किया। अच्छा, जिसको जैसे स्पोर्ट्स में कोई नेशनल लेवल खेला है स्टेट लेवल खेला है तो उसकी अपनी सर्टिफिकेट अपने साथ लेके जाओ, जिसने भी लगाई है तो उनको उनसे फ़ायदा मिलेगा। और कुछ चीज़ें किसी को कुछ पूछना हो, कोई डाउट हो? पूरे बंदों को 5 बजे एंट्री करा देते हैं या आते रहो? हाँ, एक चीज़ का ये कन्फ्यूजन है कि एंट्री आपकी कितने बजे स्टार्ट हुई? सर हमारी करेक्ट 5 बजे स्टार्ट, करेक्ट 5 बजे एंट्री स्टार्ट हो गई थी, तो सभी बच्चों को 5 बजे एंट्री करवा दी जाएगी। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें, 500 लड़कियों का फिजिकल था, आज कितनी लड़कियाँ वहाँ पे पहुँची थी तो फिजिकल देने आई? फिजिकल देने आई 273 लड़कियाँ फिजिकल देने आई थी, जिसमें से 61 लड़कियों ने फिजिकल क्वालिफाई किया है, तो आप रिजल्ट देख सकते हो बहुत कम बच्चे पहुंच रहे हैं और जो पहुंच रहे हैं उनका फिजिकल नहीं हो रहा, बहुत कम बच्चों का फिजिकल हुआ है। तो मैं यही कह रहा हूं कट ऑफ के ऊपर डिपेंड मत रहो, जो भी बच्चे जितना भी नंबर है जो क्वालिफाई कर रखे हैं वो फिजिकल देने जरूर जाए, और चांसेस है कट ऑफ से 1 या 2 नंबर भी ऊपर है तो उनके नंबर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों वीडियो के अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, आप जहाँ भी हो फिजिकल के अपने अच्छे से देख के आओ, फिजिकल के टाइम घबराना नहीं है आपको, जो
जो टाइमिंग आपके ग्राउंड पे आ रही है आप उसी तरह वर्क करते रहो और अच्छे से मेहनत करो ताकि आप भी अपना फिजिकल आसानी से क्लियर कर सके। धन्यवाद।